वो सिर्फ मुर्तसम से बात करेगी। क्या बात है, ये क्या तमाशा इस वक्त? वो नहीं आ रही, मैंने बहुत कोशिश की है, उसकी एक शर्त है मुर्तसम से। क्या फजूल हरकत है ये? इस वक्त सबके सामने शर्तें रखने का क्या मकसद है? पता नहीं, लेकिन वो कह रही है कि वो निकाह इसी सूरत में करेगी कि उसकी शर्त मानी जाए। वो कौन होती है शर्तें रखने वाली? मैं बात करती हूं उससे। रुकिए, उसको मुझसे बात करनी है तो मैं बात करूंगा। बेगम, ये निकाह होकर रहेगा, मैं जबान देता हूं आपको। वकास, मैं इसीलिए नहीं चाहती थी कि तुम लोग आओ। मुझे यही डर था कि तुम लोगों को देखते इसका दिमाग खराब हो जाएगा, और वही हुआ। पता नहीं अब क्या होगा, बाहर सारे मेहमान खड़े हुए बातें कर रहे हैं। तुम कौन से ख्यालों के समंदर में गोते खा रही हो, कुछ तो बोलो। क्या ही सुहानी शादियाने भरी सोच आई है। क्या कहने तुम्हारे, सोचे आ रही है तुम्हें। अच्छा बता दो, कहे बगैर तो तुम रह नहीं सकती। ऐसा होता है ना, निकाह के ऐन वक्त पर लड़की इनकार करते और चली जाए, अड़ जाए के हाँ नहीं करेगी, चाहे जान जाए। फिर क्या, वही रोना पिटना, खानदान की रुसवाई और बेइज्जती का खौफ। फिर बड़ी खातून खानदान की दूसरी लड़की से बोलती है कि दुल्हन की जगह तुम दुल्हन बन जाओ, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है, हमें रुसवा होने से बचा लो। और फिर वो दूसरी लड़की दूल्हे की दुल्हन बन जाती है। वाह, क्या सुहानी सोच है तुम्हारी। ये ख्यालों के गुब्बारे, ऐसा सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता है, असलियत में नहीं होता। मुझसे पूछो तो ये हकीकत होने वाला है। मौजे भी तो रोनुमा होते हैं। अल्लाह ही बचाए इनसे। या अल्लाह, मेरे घर को किसी बुरे इंसान की बुरी नीयत से बचा लेना।